बदलते समय के साथ साथ अब सामाजिक रीति रिवाजों में भी रफ्तार के साथ बदलाव देखा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे पुराने सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं में भी बदलाव आया है। अब बेटियों को भी समाज में बेटों के बराबर दर्जा मिल रहा है। ऐसा ही एक सामाजिक बदलाव ब्यावर शहर के सेंदा रोड पर देखने को मिला। यहाँ पर एक पिता की मृत्यु के बाद सामाजिक परंपराओं के तहत पगड़ी के दस्तूर के दौरान मृतक के कोई बेटा नहीं होने के कारण उसकी बेटी के सिर पर समाज के लोगों ने पगड़ी बांधकर उसे परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि ब्यावर शहर के सेंद्रा रोड प्रताप नगर निवासी ओम प्रकाश कारकवाल का गत 19 अक्टूबर को निधन हो गया था। ईंट का व्यवसाय करने वाले ओम प्रकाश के कोई पुत्र नहीं था। ओम प्रकाश अपनी चार पुत्रियों को ही पुत्र रत्न समझते थे। हर्षा, रितु, पूनम तथा सीमा ने भी कभी अपने पिता को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। पिता की मृत्यु पर इन्हीं चारों बेटियों ने उन्हें अपना कंधा देकर मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई। रविवार को परिवार व समाज बंधुओं व रिश्तेदारों की मौजूदगी में पगड़ी की रस्म निभाई गई। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने का दायित्व सौंपे जाने की रस्म के रूप में बांधी जाने वाली पगड़ी अब ओम प्रकाश की बड़ी बेटी सीमा मारवाल के सिर पर बांधी गई। समाज में इस तरह के सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव के सभी समाज बंधुओं ने सराहना की। सीमा ने बताया कि उनके पिता चारों बेटियों को अपने बेटे के समान ही मानते थे और उन्होंने उनकी परवरिश भी बेटों की तरह ही की। उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, जिसके चलते वह आज अपने पैरों पर खड़ी है। सीमा ने बताया कि बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने और रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव के लिए नई रीति रिवाज कायम की है। इसी तरह की पहल से समाज में भविष्य में हर पिता को पुत्री होने पर शर्मिंदगी और वंशगति की चिंता नहीं वरन गर्व ही महसूस होगा। आपको बता दें कि जिस सीमा मारवाल के सिर पर परिवार की जिम्मेदारी के तौर पर पगड़ी बांधी गई है, वह खुद भी तीन पुत्रियों की माता है। सीमा भी अपनी तीनों पुत्रियों को अपना बेटा ही मानती है और तीनों बेटियों पर गर्व महसूस करती है। सीमा का कहना है कि बेटियां सदैव देवी के रूप में जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे घर में लक्ष्मी, दुर्गा तथा सरस्वती स्वरूपा बेटियों ने जन्म लिया है। सीमा की बड़ी बेटी पलक भी जयपुर में दंत चिकित्सक है। उसकी प्रेरणा मुझे अपने ही परिवार से मिली कि परिवार में जो हम चारों बहनें हैं, हमारी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हमारे पापा ने हमको बिल्कुल चारों को हमेशा एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर चीज़ में वो हमारे से पूछ के हमको हर चीज़ हम आपस में सलाह मशवरा से करते थे। तो इसलिए हमको इतना स्ट्रांग बनाया तो वो पापा ने बनाया। तो जब मुझे इस समय इस स्थिति में ऐसा लगा कि तो मैंने अपने पापा की जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लिया पगड़ी के रूप में। मैं अपने परिवार की, अपने बहनों की, अपनी मम्मी की पूरी तरह जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। मैं सक्षम हूँ इस तरह से, क्योंकि स्ट्रांग बनाने वाले पापा ही थे। और इसमें मेरे को मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटियों ने, मेरे परिवार ने, हम सब ने, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न इस तरह से लिया। समाज के लोगों की भी पॉजिटिव ही थॉट थी कि भाई और भी परिवार में जो भी बड़े थे तो सब ने, मेरे मामा जी ने, मेरे चाचा ने, इन्होंने सब ने मुझे पॉजिटिवली कि नहीं हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं ऐसा। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा और बेटी बराबर है। जब बेटा अगर इस जिम्मेदारी को निभा सकता है तो एक बेटी भी अपनी इस जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकती है इजीली, कि सब परिवार वाले सपोर्ट दें। तो ये प्रथा जो चली आ रही है इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं।